ये इश्क है, ये कैसा ये इश्क है? इस प्रेमी के साथ ऐसा क्या हुआ कि ना उसे परिवार का प्यार मिला ना प्रेमिका का? ऐसा क्या हुआ कि शादी के अगले सुबह ही पति को जेल जाना पड़ गया? इस पति ने ऐसा क्या किया कि शादी के बाद पत्नी ने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया? इश्क मोहब्बत तो ठीक था, पर इश्क मोहब्बत में जबरन ये शादी कुछ घंटे ही चल पाई। जिस प्रेमिका की मांग उसके प्रेमी ने भरी सभा में अंधेरी रात को साक्षी मान भर दिया था, उस मांग की सिंदूर ने अगली रात की चांद तक नहीं देखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी भीड़ तंत्र की कराई गई शादी की, जिस भीड़ तंत्र ने जबरन किसी प्रेमी प्रेमिका को पति पत्नी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया था। भीड़ के आड़ में तो प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे को बतौर पति पत्नी स्वीकार भी कर लिया था, पर थाना आते ही दोनों का मन बदल गया। आपको कोई आपत्ति है शादी से? अपने खुशी से शादी की है ना? कहाँ घूमने आए थे आप लोग? घर कहाँ तैयार हो तुम? अब यहाँ से घर जाओगे या फिर कोई दिक्कत है जाके छोड़ दोगे? फिर घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, गोडाम रहते हैं। गोडाम रहते हो? घर वाले को पता नहीं, बताओगे नहीं शादी कर लिए हैं? बोले पापा को, बोले बोल दिए। क्या बोले पापा? दरअसल मामला उस रोज का है जब नगर थाना क्षेत्र के मुरलीडे के ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े को प्रेम मिलाप करते जंगल में पकड़ा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने जबरन उनकी शादी करा दी थी। हालांकि मामले की सूचना जब नगर थाने पुलिस को मिली तो प्रेमी जोड़े को नगर थाने लेकर आई थी। सुबह होते होते ये प्रेम मिलाप दूरी बनाने लग गया। लड़के के परिजनों ने कहा कि अगर लड़का इस युवती के साथ रहना चाहता है तो इसकी इच्छा है, रह सकता है, पर हम उसे घर नहीं ले जाएंगे। वहीं लड़की पक्ष के लोगों का दबाव था कि लड़के के पिता उसे लेकर अपने घर ले जाए, पर इन तमाम चीजों को लेकर लड़के के पिता पीछे हटते दिखे थे। उन्होंने कहा था कि लड़का अगर चाहे तो वो अपनी प्रेमिका के साथ गोड्डा में रह सकता है, पर हम उसे अपने गांव लेकर नहीं जाएंगे। दो दिनों तक बात चली पर बात नहीं बनी, जिसके बाद लड़की ने भी अपना रुख बदल लिया। लड़की ने आरोप लगाया कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाया और शादी से मुकर गया। ग्रामीणों ने पकड़कर उनकी शादी कराई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो लड़का लड़की को हम लोग लाए थे यहाँ पर, उसके बाद वो लड़की का जो है ब्लेम था कि हमको शादी के प्रलोभन दे रहा था और शादी करने से इनकार कर रहा है करके, तो उस बात को लेकर के उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था, इस तरह का उसका आवेदन दिया था, उसके आधार पर हम लोग केस दर्ज कर दिया है तथा उसका मेडिकल वगैरह हम लोग करा रहे हैं। तो लड़के को जेल भेज दिया जाएगा? लड़का को हम लोग एक्साइज किए हैं। तो लड़का उम्र नाबालिग था या बालिग था सर? 18 वर्ष से ऊपर है, 20 साल का। इस पूरे मामले में दोषी उस युवक को ठहरा दिया गया जिसने उस युवती से प्रेम किया था और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कानून वही करती है जो धाराएं कहती है, कानून समाज के कहने पर नहीं चलती। पर शादी कराने वाले उस समाज के ठेकेदारों को सोचना चाहिए था कि अगर प्रेमी प्रेमिका अपने व्यक्तिगत जिंदगी जी रहे हैं तो उसे शादी क्यों करा दिया गया? हो सकता है कि लड़का अभी शादी करने और परिवार का बीड़ा उठाने योग्य नहीं होगा, तो वो शादी के लिए कुछ दिन ठहरना चाहता था। खैर, जो भी हुआ हो, ये सबक उन तमाम प्रेमी जोड़ों के लिए है जिसे लगता है कि महज कुछ ही महीने के प्रेम मिलाप में वो हीर रांझा और लैला मजनू का ठप्पा अपने जीवन पर लगाए। तो थोड़ा संभलिए और कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने से पहले दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए।